इसी बीच में एक और बड़ी खबर, दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू ने बात की है। उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि टीडीपी भी, तेलुगु देशम पार्टी भी एनडीए में शामिल हो सकती है। वो भी पहले एनडीए का हिस्सा रह चुकी है और अब वो फिर से एनडीए में शामिल हो सकती है। आंध्र में टीडीपी को लेकर यह बड़ी खबर, इस बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। आशीष हमारे सहयोगी हैदराबाद से हमारे साथ कनेक्ट है, वो इस बातचीत पर और ज्यादा रोशनी डालेंगे। आशीष जी, देखिए कल रात को 11 बजे चंद्रबाबू नायडू पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह के घर पे। वहाँ पर नेशनल प्रेसिडेंट के और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा ये मीटिंग चली, 11 बजे रात से शुरू होकर। इस मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू, जेपी नड्डा और अमित शाह थे। तीनों के बीच में लंबी बातचीत हुई, राज्य के राजनीति के ऊपर, देश की राजनीति के ऊपर बातचीत हुई। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव दोनों साथ में होने हैं। चंद्रबाबू नायडू ज़्यादा कंसर्न है राज्य की राजनीति को लेकर, वहीं बीजेपी का ज़्यादा इंटरेस्ट नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर है। अगर हम बात करें लोकसभा सीटों की, तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, वहीं 175 विधानसभा की सीटें हैं। और ज़्यादा ये संभावना है कि एक और राउंड की मीटिंग होगी। आज चंद्रबाबू नायडू दिल्ली से वापस हैदराबाद पहुँच रहे हैं, एक और राउंड की मीटिंग होगी। करीब 20 तारीख से पहले यह दूसरे राउंड की मीटिंग होगी। इस मीटिंग के दौरान हो सकता है चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात प्रधानमंत्री से भी हो, वो मुलाकात हैदराबाद में हो सकती है। प्रधानमंत्री का दौरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हो सकता है, उस दौरान ये मीटिंग हो सकती है और फिर और ज्यादा ये जो पूरा गठबंधन की कवायद है और ज्यादा क्लियर होगी, पिक्चर और ज्यादा साफ होगी, ये हमें बताया जा रहा है। ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीरेश, असीम और आशीष, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।